नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा, सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय चौहान आज सीहोर जिले के दौरे पर थे। दरअसल बीते दिनों से लगातार कार्तिकेय चौहान सीहोर जिले के ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज कार्तिकेय चौहान सीहोर से होते हुए आष्टा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर संबोधित किया और शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं मर्यादित भाषा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला किया। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सोलंकी, क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह भाटी, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा एवं जावर भाजपा मंडल सहित भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल के अध्यक्ष मंच पर उपस्थित हुए सुनील परमार जी, ग्रामीण मंडल आष्टा के अध्यक्ष मंच पर आ जाए रूपेश जी पटेल। जो उन्हें पकड़ा गया, सबसे पहले इसकी इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश की पुलिस को मिली और मध्य प्रदेश की पुलिस को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने खबर मिलते से ही तत्काल कार्रवाई करी और उस कार्रवाई के कारण वो अपराधी जिसने इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में कांड किया, यानी 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए, हमने ये इंश्योर किया कि वो मध्य प्रदेश की सीमाओं से, उज्जैन की सीमाओं से बाहर ना जा पाए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को इस बात का श्रेय देना ही चाहिए कि उन्होंने पकड़ा है। इसमें मेरे ख्याल से चाहे आप सरकार में हो चाहे ना हो, लेकिन पुलिस का मनोबल कम नहीं करना चाहिए। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.